Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is Linear Equations in Two Variables Part 3. Today we will learn the determinant method and Cramer's rule. Okay, so let us see what is determinant method. Isse Cramer rule bhi kaha jata hai. Let the equations are a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, where a1, a2, b1 and b2 and c1, c2 are the real numbers such that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. This is the condition. Now let us write the equation first. This is the first equation and this is the second equation. a1x plus b1y is equals to c1 is the first equation and a2x plus b2y is equals to c2 is second equation. Now for equating the coefficient of y, let us multiply equation 1 by b2 and equation 2 by b1. Hoga kya? Aapko ye wala pair agar aapko equal karna hai, ओके तो हम इस b2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इस b1 का मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे. तो इक्वेशन 1 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 1 में हमें b2 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है b1 का. अभी देखिए b2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम a1x में करें तो a1x * b2 क्या होगा? a1 b2x होगा. ओके फिर b1y में अगर b2 का मल्टीप्लाई करते तो होगा b1 b2y और c1 b2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c1 b2 ही रहेगा. अब b1 का मल्टीप्लाई अगर हम a2x में करते हैं तो ये होगा a2 b1x. ओके और इसका जब मल्टीप्लाई हम यहां करें b2y में, अगर b1 का मल्टीप्लाई करें तो वो b1 b2y होगा और यहां c2 में करें तो c1 c2 b1 होगा. ओके तो हमें इसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से डिनोट करेंगे. नाउ अगर आप देखें यहां पर वी हैव द सेम पेयर एंड हियर द सेम साइन. We need same pair and opposite sign. So what we will do? We'll subtract here. तीनों जगह positive sign है तो तीनों जगह हम negative sign कर दें. अभी हमारे पास b1 b2y जो है यहाँ ये positive और यहाँ negative है, cancel हो जाएगा. So we'll be having a1 b2 minus a2 b1. Excuse me. a1 b2 minus a2 b1 x and here c1 b2 minus c2 b1. Okay. Now अब ये जो value है a1 b2 minus a2 b1 ये इसके अपॉन में चली जाएगी. सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 b2 minus c2 b1 अपॉन c1 b2 minus c2 b1 अपॉन ये वाला पार्ट, ये है a1 b2 minus a2 b1. अब अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करें तो ये क्या होगा? इसे डिटरमिनेंट में लिखने के लिए हमें इसे लिखना पड़ेगा. देखिए c1 b2 है तो c1 हम यहां लिखेंगे और b2 जो है वो यहां लिखेंगे. तो c1 b2 देखिए c1 b2 minus c2 b1 तो हमने इसे अरेंज कर लिया ऊपर वाले को डिटरमिनेंट में. देखिए फर्स्ट जो नंबर था वो यहां c1, सेकंड यहां पर b2, ओके फिर है c2 वो यहां और फिर b1. तो c1 b2 minus c2 b1 और ये जो है a1 b2 minus a2 b1. ओके इस तरह से इसको अरेंज कर लिया तो हमारे पास ये dx की, ये x की वैल्यू हो गई. अभी सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, that is a1 c2 minus a2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. And here we can express this numerator and denominator in determinant. To express the numerator in the determinant, what we can do? देखिए a1 c2 है ना, तो a1 first यहाँ पर और c2 यहाँ पर और यहाँ a2 c1, तो a2 यहाँ पर और c1 यहाँ पर and the same a1 b2 minus a2 b1. तो इस तरह से हमने x और y की हमें वैल्यू डिटरमिनेंट में मिली है. तो लेट अस राइट द वैल्यूज लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे इसे सिंपल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, जो न्यूमरेटर अगर आप देखें दोनों का, यहाँ a1 a2 b1 b2 है, यहाँ भी a1 a2 b1 b2 है, तो हम इसे d सपोज कर लें. वी डिनोट d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 देखिए, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू को c1 c2 b1 b2 को हम यहाँ पर dx सपोज करें और ये वाली वैल्यू को हम dy सपोज करें a1 a2 c1 c2 को. तो होगा क्या, x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो dx को हमें d से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और y की वैल्यू निकालने के लिए dy को हमें d से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ इन डिटरमिनेंट्स में वैल्यू पुट करके dx और dy में. और ये वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, हमें करना क्या है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास है उससे हमें उसे कंपेयर करना है a1
ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। वहाँ से हमें ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। उससे हमें डी डी एक्स और डी वाई मिलेगा, और एक्स निकालने के लिए डी एक्स की वैल्यू को डी से डिवाइड कीजिए, और वाई निकालने के लिए डी वाई की वैल्यू को डी से डिवाइड कीजिए। ओके, अब एक काम करें, यहाँ पर देखिए ये जो मेथड है इसी इसी हम क्रेमर रूल भी कहते हैं और डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। अभी एक वैल्यूएबल ट्रिक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि अब ये वैल्यूज़ हम लर्न कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ए चल रहा है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, और यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो अगर देखा जाए तो ये ए और बी, फर्स्ट वाले में ए बी चल रहा है, दूसरे वाले में सी बी चल रहा है, और तीसरे वाले में ए सी चल रहा है। मतलब इससे हमें डी की वैल्यू मिलती है, इससे डी एक्स की वैल्यू मिलती है, इससे डी वाई की वैल्यू मिलती है। तो अगर इसे लर्न करना है तो सिंपल तरीका है, आप बोलिए ए बी चतुर्वेदी, सी फोर चतुर्वेदी एंड बी ए चतुर्वेदी, ए बी चतुर्वेदी एंड बी ए चतुर्वेदी। इस तरह से आप इजीली लिख लीजिए, आपको इजीली बनाते आएगा। इट्स अ सिंपल ट्रिक। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। यहाँ आपको दो इक्वेशंस दे के रखी है हमें। लेट अस कंपेयर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वन बी वन एंड सी वन एंड ए टू बी टू एंड सी टू। ओके, तो यहाँ ये जो प्लस फोर है हम इसे शिफ्ट करेंगे इधर, सो विल बी हैविंग एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, और ये माइनस फोर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। एक्सक्यूज मी। अब देखिए लेट अस कंपेयर इट विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी टू एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो यहाँ जो है, यहाँ ए वन की वैल्यू है वन, बी वन की वैल्यू है टू, और सी वन की वैल्यू है माइनस फोर। तो ए वन है वन और बी वन है फोर और सी वन है माइनस फोर। देखिए सॉरी, बी वन है टू और सी वन है माइनस फोर, और ए टू की वैल्यू है थ्री, बी टू है फोर और सी टू है माइनस सिक्स। तो थ्री फोर एंड माइनस सिक्स, इस तरह से हमें ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यू मिल गई। अब हम सबसे पहले डी डी एक्स एंड डी वाई लिख लें। जैसे देखिए ए बी चतुर्वेदी बी ए चतुर्वेदी, ये देखिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू बी वन बी टू एंड ए वन ए टू सी वन सी टू। तो सबसे पहले हम ए वन ए टू और बी वन बी टू की वैल्यू पुट करें। यह है वन थ्री और टू फोर, तो यहाँ आएगा वन थ्री एंड टू फोर। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई वन इंटू फोर माइनस टू इंटू थ्री, तो फोर वन ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, फोर माइनस सिक्स विल बी माइनस टू। इस तरह से हमें डी की वैल्यू मिल गई माइनस टू। अब हम डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो सी वन सी टू है यहाँ पर माइनस फोर माइनस सिक्स, और बी वन बी टू है टू फोर, तो माइनस फोर माइनस सिक्स एंड टू फोर। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर एंड फोर का एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस की साइन लिख के हम माइनस सिक्स और टू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये माइनस फोर इंटू माइनस फोर माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो फोर फोर ज़ा होगा माइनस सिक्सटीन, माइनस एज इट इज़ सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, दैट इज़ माइनस ट्वेल्व, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व ये होगा माइनस फोर। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर। अब हम यहाँ पर ए वन ए टू और सी वन सी टू की वैल्यू पुट करेंगे, वन थ्री एंड माइनस फोर माइनस सिक्स, तो वन थ्री एंड माइनस फोर माइनस सिक्स। तो वन का मल्टीप्लाई माइनस सिक्स में, मीन्स माइनस सिक्स इंटू वन, और माइनस फोर का थ्री में, तो सिक्स वन ज़ा सिक्स, माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ट्वेल्व माइनस सिक्स हुआ सिक्स। तो हमें डी वाई की वैल्यू मिली है सिक्स। तो डी की वैल्यू है माइनस टू, डी एक्स की वैल्यू है माइनस फोर, और ये है सिक्स। तो माइनस टू माइनस फोर एंड माइनस सिक्स, ये हमें तीन वैल्यूज मिल गई डी डी एक्स एंड डी वाई की। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी लिखेंगे, तो वो होगा माइनस फोर अपॉन माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू हो गई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू के टेबल में फोर टू टाइम्स होता है। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वी विल डिवाइड डी वाई बाई डी, सो डी वाई अपॉन डी दैट इज सिक्स अपॉन माइनस टू, मीन्स वाई की वैल्यू हो गई माइनस थ्री। तो इस तरह से हमने देखा ये बहुत सिंपली सॉल्व हुआ, सिर्फ आपको अरेंज करना है वैल्यूज, आपको वैल्यूज पुट करना है डी डी एक्स और डी वाई में। लेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट इज एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस नाइन, सो एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सो वॉट वी विल डू, दिस टू वाई विल शिफ्ट दिस साइड एंड एटीन विल शिफ्ट दिस साइड।
टू वाई इज पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव होगा, 18 है पॉजिटिव, वो इधर जाके वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 18, और ये टू एक्स जो है ये पॉजिटिव है, इधर जाके माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस वाई एज इट इज़ एंड माइनस नाइन एज इट इज़। नाउ कंपेयर विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ए वन की वैल्यू यहाँ पर वन है, ए टू की वैल्यू है माइनस टू, तो ए वन की वैल्यू वन, ए टू की वैल्यू माइनस टू, बी वन है माइनस टू, बी टू है वन, तो माइनस टू जो है बी वन और बी टू है वन, और सी वन है माइनस 18 है, सी टू है माइनस 9। तो इस तरह से हमें ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यू मिल गई। अब हम डी की वैल्यू निकालें, दैट इज़ ए वन ए टू बी वन बी टू हमें पुट करना, मीन्स ये वाला पेयर वन माइनस टू एंड माइनस टू वन हमें पुट करना है। तो यहाँ होगा वन इंटू वन माइनस माइनस टू इंटू माइनस टू, तो ये तो वन हो जाएगा और ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, तो वन माइनस फोर दैट इज़ माइनस थ्री। ये दोनों निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो वन माइनस फोर जो होता है वो माइनस थ्री। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई माइनस थ्री। अब हम डी एक्स निकालेंगे, दैट इज़ ये पेयर सी वन सी टू एंड ये वाला पेयर बी वन बी टू, तो माइनस 18 माइनस 9 एंड माइनस टू वन, माइनस 18 माइनस 9 एंड माइनस टू वन। नाउ हियर व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई दिस माइनस 18 एंड वन इन वन ब्रैकेट माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 9 एंड माइनस टू। तो 18 वन ज़ा 18, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 18 लेकिन बाहर माइनस है, तो दोनों जगह माइनस 18 माइनस 18, माइनस 18 माइनस 18 होगा माइनस 36। तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू है माइनस 36। नाउ लेट अस राइट द वैल्यूज फर्स्ट, और एक काम करते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू भी लिख लेते हैं। अब हमारे पास हमें निकालना है डी वाई, और डी वाई में क्या होता है, ए बी चतुर्वेदी और बी ए चतुर्वेदी होता है, तो ए और सी की वैल्यू आएगी वहाँ पर, दैट इज़ ए वन ए टू एंड सी वन सी टू। मतलब आपको ये पेयर और ये पेयर लिखना है, वन माइनस टू एंड माइनस 18 माइनस 9, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, वन का माइनस 9 में तो होगा माइनस वन इंटू माइनस 9 माइनस माइनस टू इंटू माइनस 18, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 वन ज़ा 9 माइनस 9 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 टू ज़ा हो गया 36, 36 भी ये दोनों निगेटिव है तो ये होगा माइनस 45। अब हमारे पास देखिए डी है, डी एक्स है, डी वाई है, सो अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल लेट डी एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी एक्स अपॉन डी, तो माइनस 36 अपॉन 3, सो इट विल बी 12। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी, तो वो माइनस 45 अपॉन 3, तो हमें मिल गया 15। ओके तो वाई की वैल्यू होगी 15। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। अभी आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड से डेफिनेटली सिंपल है। ग्राफिकल मेथड में कई बार जो इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर बहुत कम है तो हमें एग्जैक्टली इंटरसेक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब जो उसकी लिमिटेशंस थी उससे ओवरकम करने के लिए जो डिटरमिनेंट मेथड है या क्रेमर रूल है, ये ज़्यादा बेटर है। और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोज़ टू नो मोर अबाउट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच।